अभी हम पहुँचे हैं रणाऊ गांव में। रणाऊ गांव एक बहुत ही पुराने कल्चर में बना हुआ है और यहाँ की जो संस्कृति है वो पुराने टाइप में, घर वगैरह सब पुराने टाइप में बने हुए हैं। और अभी इसका व्यू हम आपको इस रेतीले दौरे के ऊपर चढ़ के बताएंगे। ये दौरा बहुत ही हाइट में है तो मेरी गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी, तो पीछे जीप खड़ी है उससे हम जाएंगे ऊपर, वहाँ का व्यू बताएंगे आपको। चलो भाई बैठो गाड़ी में, अभी चलेंगे दौरे के ऊपर। फाइनली जीप ऊपर चढ़ चुकी है, बहुत ही खतरनाक रेतीला दौरा है। ये जैसलमेर से तनोट जाते हो रास्ते में ही आता है ये वाला गांव, तो आप रुक के रेतीले दौरों पर चढ़ के इस गांव को देखिए, बहुत ही सुंदर है और कल्चर है पुराने टाइप में कल्चर है पूरा ही। और यहाँ के लोग हैं जो खेती और पशुपालन पर ही निर्भर है इनका जीवन। मुझे इस दौरे के ऊपर गाड़ी चढ़ानी है, सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं चढ़ पाएगी आपकी गाड़ी, तो मैं पहले रास्ता देखने के लिए आया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी की और मेरी बेइज्जती हो जाए, तो पहले मैं रास्ते का सर्वे करने हैं कि रास्ता कैसा है, चढ़ पाएगी या नहीं पाएगी, देखते हैं कैसा रास्ता है, फिर उसके बाद में गाड़ी की थोड़ी हवा कम करके ऊपर चढ़ानी होगी। आई थिंक रास्ता तो ठीक ही दिख रहा है। हम जा रहे हैं दौरे के ऊपर, थोड़ा के ऊपर ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, अगर चढ़ गई तो अच्छी बात है। आगे वाले से लो, इधर से पहले ले लो, ट्राई इधर से भी एक कर लेते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर वापस बैग लेके आएंगे, वापस लेके फिर उधर से ले लेंगे। चलो ट्राई कर। तो ये देखो हम अभी जा रहे हैं, हां इसमें कस्टमर भी हमारे रहे हैं, ये देखो कस्टमर आ गए तो हम भी सफारी कर। एक सी चप्पल छुड़ाया भी जाए। मुझे विश्वास ही नहीं था कि यहाँ तक आएगी, यहाँ तक पहुँच चुकी है, अभी थोड़ी चढ़ जाएगी, अभी चढ़ जाएगी, अभी इसकी हवा और कम कर देते हैं, हवा कम करके इसको चढ़ाएंगे सारे, कुछ भी हो अभी तो बस, अभी बस ये वाला इतना स्टेप अगर ये पार कर देगी तो कहीं नहीं रुकने वाली, कहीं नहीं रुकने वाली। अभी भैया थोड़ी हवा कम कर दो इसकी, मतलब एकदम 5 पॉइंट रख दो हवा बस। थोड़ी अभी ट्राई करते हैं, थोड़ा गाड़ी को आगे पीछे करके और ट्राई करते हैं। भैया को कैमरा पकड़ाना पड़ेगा मुझे, देखो अब हम ले रहे हैं वापिस गाड़ी, थोड़ी गाड़ी को लेते बैग। चुकोर के अंदर रखो उसको, ये आगे ऐसा ही, अब जाइए आप पकड़ो, रेस रेस पकड़ो उसको, चक्कर के अंदर रेस पकड़ो, रेस पकड़ाओ, रेस पकड़ाओ, कम मत करो, थोड़ा मौसम बनने दो, क्या स्लिप मार रही है, थोड़ा सा मौसम बनने के बाद फिर अपन इसको, अब अपनी होगी जीत। यह वो लोग बोल रहे थे कि नीचे चढ़ेगी गाड़ी, अब देखो तुम लोग, चलो इतना फास्ट मत, आराम से आराम से। अभी है ना हमने जहाँ थार गाड़ी जाती है वहाँ महिंद्रा क्वांटो को लेके गए। बहुत बढ़िया।
और अभी हमें इस साइड से जाएंगे, गाड़ी को ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे गाँव में जाएंगे, नई सफारी करेंगे। अभी ये वाला रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है, ये मारो गाँव है। अब मैं जाऊँ सफारी कराऊ ना, चल चट महीना थोड़ी स्पीड रखो। अब तो जाए फोर भाई माथे जाओ। अब तो भाई मेरी गाड़ी फोर भाई हो गई है, फोर भाई होगी, फोर भाई बना दिया मैंने अभी। ये देखो हम जा रहे हैं। मतलब रणव गांव का सबसे सबसे ऊंचा टीला है, रेतीला टीला, वहां है, वहां पर मैंने महिंद्रा क्वांटो को चढ़ा दिया, देख लो आप लोग। और अभी इसी रास्ते से वापस इसको नीचे उतारेंगे, बहुत ही डेंजरस रास्ता है, पर ना एडवेंचर करना कुछ अलग हटके। आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त भाई साहब, क्या बोलूं आपको, यहां गाड़ी चढ़ा दिया, मेरे को विश्वास ही नहीं था ना, विश्वास ही नहीं हो रहा यार, ऐसा तो लग ही नहीं रहा। पर मुझे विश्वास था और भाई ने सपोर्ट किया कि अगर फंस जाएगी तो मैं निकालूंगा आपको, हमारी गाड़ी से हम निकाल, हां इनके यहां थार गाड़ी है तो उससे टो करके निकाल देंगे, तो फिर मैं कौन सा रुकने वाला। फिर दोहरा देख लो आप, दोहरा, वाओ देखिए यहां से अभी गाड़ी आने वाली है अपनी। ये देखो ये ढलान भाई साहब, ये देखो ये, ओ गॉड, ओ गॉड, यहाँ से जीपी राज की गाड़ी आएगी। देख सकते हो आप गाड़ी कितनी दूर है, कहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वहां से ये गाड़ी यहाँ से आएगी। मेरे को लेके जाओ ना भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो। इधर वास्ते में रहती है, दौरे तो ऐसे है, सम में कुछ नहीं, सम से भी बेटर है। अगर आप सम जाते हो ना तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप अच्छे से देख नहीं पाते हो। अगर आप रनौ गांव आते हो तो यहाँ के रेती टीले कसम से लाजवाब है, आप देखो कसम से। और अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप लेके आ सकते हो, नहीं तो भाई से संपर्क कर सकते हो, मैं इनके नंबर दे दूंगा। और इनके पास यहाँ पर अगर आते हो तो ये जगह मिस बिल्कुल मत करना, बिल्कुल ये जगह देखने और एंजॉय करने योग्य है, मेरा मानो तो यहाँ जरूर आए आप। और ₹1 का भी आपको फालतू खर्चा नहीं होगा यहाँ पे, ₹1 की लूट नहीं होगी आपको, जहाँ सब में होता वैसा यहाँ कुछ नहीं होगा। ये देखिए भाई साहब कौन से पत्थर से मकान बन रहे, पीले पत्थर से। यहाँ पे यहाँ के जो मकान है वो पीले पत्थर से बनते हैं, क्योंकि जैसलमेर में पीले पत्थर बहुत होता है। और ये लोग स्कूल जाके आए, कैसे हो भाई, अच्छे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़ाई पढ़ाई करो।
अभी हम घूम घुमा के माँ तनोड ऐसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में जैसलमेर से निकलेंगे विया लौंगे वाला। ओह भीड़ है भाई, वेट करना पड़ेगा।